हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा किचन्स। आज हम बना रहे हैं हैदराबाद का बहुत फेमस दलीम। तो यह हम दलीम बना रहे हैं जो कि बिल्कुल घोट के और एकदम गला के बनाया जाता है, और ये बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पे दलीम बनाया है और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे दलीम बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बड़े का गोश्त लिया है। बड़े के गोश्त में हड्डी नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ बस चिकना और साफ बोटियाँ ली हैं। तो यहाँ साफ साफ बोटियाँ ली हैं मैंने, और कुछ बोटियाँ इसमें चिकनी भी हैं लेकिन हड्डी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया है बड़े का 1 किलो। और सबसे पहले हम कुकर में गोश्त को गला लेंगे। तो मैंने कुकर में डाला है तेल, मैंने इसके अंदर डाला है करीब आधा कप। और आधा कप तेल डालने के बाद, गर्म होने के बाद, मैंने इसके अंदर डाल दी है 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज के अंदर डाल दी है। प्याज को थोड़ा पका लेंगे, प्याज बस जलना नहीं चाहिए, अच्छे से पका लेना है इसको। तो ये मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो पकना शुरू हो गई है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाने देंगे। तो यहाँ जो प्याज है हमारी लगभग पक गई है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, हमको जलाना नहीं है इसको। इसमें हम गोश्त डाल देंगे। अब तो हम यहाँ इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को मैंने धो कर रख लिया था पहले से ही, तो गोश्त मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें बाकी के मसाले। तो मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया है, अब मैं बाकी के मसाले ऐड कर दूंगी। तो मैं इसको चला देती हूँ एक बार। तो यहाँ हम इसको अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद हम इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं ऐड करूंगी पाउडर मसाले, जैसे कि ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ मैं ऐड करूंगी इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो मैंने ये पाउडर मसाले ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको चला देंगे और अच्छे से पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे हमें मसालों को अच्छे से पका लेना है, भून लेना है, क्योंकि जब गोश्त को हम अच्छे से गला लेंगे तो ये जो है भून नहीं पाएगा। तो हमें इसी स्टेज पे अच्छे से मसालों को भून लेना है, वरना मसाले कच्चे रह जाएंगे। अगर गला लेंगे तो बाद में अगर हम भूनने की कोशिश करेंगे तो मसाले अच्छे से नहीं भून पाएंगे। तो पहले हमको उनको अच्छे से भून लेना है, फिर हम गोश्त को गलाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं दलीम। दलीम में गोश्त को बहुत गलाया जाता है, तो अगर हम इसको बहुत गला लेंगे तो फिर भुनने में नहीं आएंगे सही से मसाले। तो मसालों को पहले ही भून लेंगे। करीब मैंने 5 मिनट तक भूना है मसालों को हाई फ्लेम पर। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है पानी। पानी मैंने थोड़ा इसलिए ऐड कर दिया ताकि मसाले जो हैं जले ना, और थोड़ा सा अच्छे से और भुन जाए। तो लगभग आपको करीब 7 से 8 मिनट तक मसालों को भून लेना है। तो तेल सेपरेट हो गया, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो मैं ढक्कन ढक के इनको 1-2 मिनट तक और भून लेती हूँ, फिर हम गोश्त को गलाएंगे। तो मैंने इनको भून लिया अच्छे से मसालों को। मसाले जो है बढ़िया से भुन गए, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी। तो मैंने चला दिया इसको। चलाने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करके गोश्त को गला लूँगी। तो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने पूरा 1 गिलास भर के पानी ऐड करा है, और अब मैं सीटी लगाऊंगी ढक्कन लगा के। तो मैं इसकी लीड लगा देती हूँ, और इसमें मैं लगा लूँगी करीब, मैं इसमें अच्छे से सीटी लगाऊंगा, करीब 6-7 सीटी हमें लगा लेनी है ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। गोश्त गल रहा है हमारा साइड। तो यहाँ पे हमने हलीम के गेहूँ ले लिए हैं, ये 150 ग्राम गेहूँ हलीम के। आप मार्केट से जब भी लें तो क्या क्या ले सकते हैं कि हमें हलीम के गेहूँ चाहिए, तो आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाएंगे। आजकल तो हर जगह मिल जाते हैं हलीम के गेहूँ। तो 150 ग्राम हलीम के गेहूँ है, 2 बड़े चम्मच चने की दाल है, और 2 बड़े चम्मच उड़द की धुली दाल है, 2 चम्मच मसूर की दाल है, और 2 बड़े चम्मच मटर की दाल है, और 2 चम्मच चावल है। तो ये सारा सामान हमने ले लिए हैं, ये सारी दालें हैं और चावल वगैरह हमने लिया है।
और तो चलिए हम बनाते हैं, सब दालों को गला लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरी के जो गेहूँ है इसमें हमने गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी से जल्दी से ये फूल जाएंगे, नहीं तो आप पूरी रात के लिए इसको भिगो कर रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। तो यहाँ हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है। मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे गोश्त गला है कि नहीं गला है। तो मैंने इसको कुकर को खोल दिया है और मैं देखती हूँ चम्मच से काट के कि गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं गला है। तो यहाँ पे गोश्त बिल्कुल अलग अलग एकदम अच्छे से गल जाना चाहिए, एकदम अलग हो जाए काटते ही। देखिए तो गोश्त हमारा बहुत बड़े तरीके से गल गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको घोट लेंगे। तो मैं इसको पहले पलट लेती हूँ भगोने में और अब हम कुकर में चढ़ा देंगे दालें। तो हम इसको साइड में कर देते हैं गोश्त को भी, और मैं कुकर में दालें चढ़ा रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर गेहूँ डाले हलीम वाले, हलीम के गेहूँ कम से कम आपको गर्म पानी में 2 घंटे तो भिगोने ही हैं। तो अगर टाइम हो तो पूरी रात भी इसको भिगो सकते हैं। अब मैं सारी दालें धो के इसके अंदर डाल दूँगी। तो मैंने सारी दालों को धो लिया है एक बाउल में करके और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुकर में। अब डालने के बाद हम इसके अंदर डाल लेंगे नमक। डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं इसके अंदर पहले पानी ऐड कर लेती हूँ। तो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ कम से कम 1 जग। तो पानी हमको अच्छा खासा ऐड करना है। तो मैंने 1 जग पानी ऐड कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच करीब 3 चम्मच नमक, क्योंकि दालें वगैरह जो है फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैंने 3 चम्मच नमक ऐड करा है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया। और अब चला के इसको सीटी लगा के ढक्कन लगा के सीटी लगा लेंगे। तो मैंने चला दिया इसको एक बार। अब इसकी लिड बंद करके सीटी लगा लेंगे। सीटी हमें ऐसे लगानी है कि 2 सीटी के बाद हमें फ्लेम को लो करके इसको पकाना है। करीब आपको 2 घंटे तक पकाना है इसको लो फ्लेम पे। 2 सीटी के बाद फ्लेम को लो करें। तो चलिए जब तक हम गोश्त को अच्छे से मैश कर लेते हैं, उसको अच्छे से घोट लेंगे। घोटने से पहले हम क्या करेंगे, जो उसका तेल है ऊपर वह कटोरी में थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि घोटने के बाद जो है ये इसमें तेल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा तेल जो है इसका निकाल लिया है। इसको हम बाद में ऐड करेंगे दलीम के ऊपर से। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा तेल निकाल लिया है। अब इस गोश्त को अच्छे से घोट लेंगे। तो पहले चम्मच से घोट लेंगे, उसके बाद आप चाहें तो जो घोटने वाली जो रही आती है उसको घोट सकते हैं। इसको फिलहाल मैं इसे चम्मच से घोट रही हूँ जब तक हमारी दालें गल जाएंगी। दालों को इसके साथ में मिला के हम रई से घोटेंगे। तो ये हमने चम्मच से इसको अच्छे से घोट लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो तेल है बिल्कुल गायब हो रहा है, एकदम दिख नहीं रहा तेल कहाँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा चिकनाई इसकी निकाल ली थी ऊपर से तेल। तो दलीम जो होता है आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जो गोश है वो तो बहुत अच्छे से गला होना चाहिए और दालें भी बहुत अच्छे से गली होना चाहिए। तो ये हमारी दालें गल गई हैं और मैं इसको खोल कर देखती हूँ एक बार, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका ढक्कन हटा रहे हैं और यहाँ दालें जो एकदम परफेक्टली गल के तैयार हो गई हैं दलीम की। तो चलिए एक बार चला लेते हैं और अभी हमको उसको घोटना है। घोटने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन दलीम जो होता है बिल्कुल एकदम गला हुआ और एकदम घुटा हुआ होता है। तो यहाँ हम इसको क्या करते हैं, उसी भगोने में पलट लेंगे जिसमें हमने गोश्त को पलट लिया है और इसको अच्छे से घोटेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दलीम को बनाने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा चम्मच से घोट ले रही हूँ, लेकिन इससे नहीं घुटेगा ठीक से। तो मैं भगोने में पलट लेती हूँ सारा। भगोने में पलट के हम जो घोटने वाली जो रही आती है उससे हम घोटेंगे, इससे दाल भी घोटी जाती है। तो मैंने इसको चला दिया है और इसमें ये थोड़ा सा गोश्त आप ज़्यादा ही लें ऐड, जब भी हलीम दलीम बनाएं तो गोश्त थोड़ा ज़्यादा लें, दालें वगैरह जो है थोड़ी थोड़ी कम ही लें। तो मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी, मैंने इसके अंदर डाल दिया है करीब 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है मैंने। थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था मुझे। अब पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं चम्मच से घोट रही हूँ और इससे नहीं घुट रहा है तो मैं अब रही से घोटूंगी। ये देखिए इससे हमें थोड़ी देर तक घोटना अच्छे से, जब तक कि इसमें दालें जो है बिल्कुल नज़र थोड़ा सा अच्छे से नज़र ना आए इतना हमें इसे घोट लेना अच्छे से। जिसको मैं कंटिन्यू घोट रही हूँ ये देखिए, देख सकते हैं कि घुटने से ये जो है दालें और अच्छे से मिक्स हो जा रही हैं, गोश्त भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, गोश्त भी इसमें नज़र नहीं आएगा, हमें इतना घोट लेना है।
थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन दलीम होता है, बहुत टेस्टी होता है। मैंने इसके अंदर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से घोलने के बाद हम इसमें एक खौल और लगा लेंगे क्योंकि हमने गरम मसाला पाउडर ऐड करा है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैं इसको घोट लिया है मैंने इसको, अब मैं इसमें एक खौल लगा रही हूँ। मैंने गैस पर रख दिया है तो गैस ऑन है यहाँ पर और मैंने चला दिया है इसको और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक खौल आना शुरू हो गई है। तो दलीम गरम हो गया है और अब जो है हम क्या करेंगे कि अब इसमें डालेंगे जो मैंने तेल निकाल लिया था ऊपर ऊपर से, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो हमने इसके ऊपर तेल ऐड कर दिया है, अब हम इसको थोड़ा चला देंगे, चला के इसको अच्छे से मिला लेंगे। और तो मैंने इसको यहाँ चला लिया है अच्छे से, तेल को अच्छे से मिला लिया, इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं जो दलीम है एकदम बढ़िया तरीके से घोट लिया है हमने, उसमें दालें भी नज़र नहीं आ रही, गोश्त भी नज़र नहीं आ रहा है। अब इसको हम ऊपर से प्याज का फ्राई करेंगे, प्याज डाल के। तो मैंने तेल लिया थोड़ा सा कढ़ाई में, उसमें डाली है एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, प्याज को मतलब जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इतना हमें पका लेना है। और दलीम के ऊपर से हम इसको डाल देंगे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ऊपर से तड़का ज़रूर दें प्याज का। तो यहाँ पर मतलब हमारी जो प्याज है वो फ्राई होना शुरू हो गई है, अब कलर भी चेंज हो गया है इसका। तो अब मैं इसके ऊपर से इसको डाल दूँगी, देखिए तो मैंने ऊपर से डाल दी है प्याज और उसका जो ऑयल था मैंने ऊपर से डाल दिया है। और अब इसको चला देंगे और हमारा जो दलीम है बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना है। और ये देखिए इसमें दालें और जो गोश है बहुत हल्का हल्का नज़र आ रहा है एकदम कम, और हमारा दलीम जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे काट के। तो हम कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और हमारा दलीम जो है परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।